नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल न्यूज हरियाणा और मैं करण सिंह समैन आपके साथ। आज भारत बंद का जो ऐलान था, गांव समैन के अंदर हिसार और चंडीगढ़ रोड को जाम कर दिया गया है। 36 बिरादरी के लोग हैं जो रोड पर आए हुए हैं। रोड उन्होंने 12 बजते ही बंद कर दिया था और 12 से 3 बजे तक का जो ऐलान है उसी के अनुसार आज टोहाना खंड के सबसे बड़े गांव समैन के अंदर रोड जाम किया हुआ है। टोहाना खंड का सबसे बड़ा गांव समैन है। आप देख सकते हैं पीछे पूरे के पूरे गांव के लोग हैं जो यहां पर रोड पर बैठे हैं और धूप का आनंद ले रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, सभी यहां पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहां पर पूरे का पूरा जो गांव है आया हुआ है। तो आइए गांव के लोगों से ही बात करते हैं। तो देखिए गांव समैन के अंदर जो जाम लगाया गया वहां पर किसान एकता के नारे लगाए जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि इनसे बात करते हैं क्यों आज इन्होंने जाम लगाया है और कब तक ये जाम रहेगा। तो सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, ये आज जो गांव के अंदर जाम लगाया गया है क्या कारण है, क्यों लगाया है? जो पीछे मोदी सरकार 3 काले कानून ले आई है किसानों के विरुद्ध में या पूरी जनता का, उसके खिलाफ ये पूरा संयुक्त मोर्चा का अल्टीमेटम था 12 से 3 तक पूरा हिंदुस्तान बंद रहेगा, उसी के तहत गांव समैन में हम नए किसानों ने जाम लगाया हुआ है। ये जनता सारी समझ चुकी है, किसान मोर्चा के नेता भी समझ चुके हैं। सिर्फ वो अपने घर बैठे बात कर रहे हैं, वह एक कॉल की दूर है। जब 11 बार वार्ता हो चुकी है, वो अपनी जो जिद है उससे टस से मस नहीं हो रहे हैं। वो बात करने के या किसानों की समस्या हल करने का मूड में नहीं है, जानबूझ के गुमराह कर रहे हैं, बातचीत करना नहीं चाहते या इस समस्या को हल नहीं करना चाहते। तो दोस्तों, टोहाना खंड का सबसे बड़ा गांव समैन है, नेताओं का गांव कहा जाता है, राजनीति यहीं से शुरू होती है टोहाना की। तो आइए और भी हमारे साथ प्रधान जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी भाई। सर, जो ये बातचीत कल राज्यसभा के अंदर भी कृषि मंत्री तोमर ने कही है कि कृषि कानून के अंदर अगर कोई कमी है तो वो बताएं, नहीं कृषि कानून सही है, क्या लगता है आपको? भाई, जब 11 बार वार्ता हुई है, हमारे रामफल जी ने बताया तो उसके सामने तो आ लिया है भाई, 3 काले कानून है, उसने इस बात का पता है भाई इसमें कहाँ खामियां है। और जब जिम्मेदार हम बताने लग रहे हैं तो हमारे सामने आके क्यों नहीं बताना भाई? और हमारे कम से कम 180 के करीब हमारे किसान भाई शहीद हो गए रोडों पर, हम बैठे हाँ ऐसे थोड़े बैठे हम रोडों पर, अगर इसमें खामियां है तो हम बैठे हाँ, हमारे को पेट में दर्द नहीं है कि हम पूरे बैठा गए। सर, सरकार बातचीत के लिए ऑफर कर रही है लेकिन दिल्ली के चारों ओर ऐसी जो तार बंदी थी, किले बंदी थी, शायद चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी नहीं होती, किलें गुडवाई गई, क्या लगता है सरकार जो झुकने के मूड में नहीं है, अगर सरकार नहीं झुकती तो आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? ये तो क्लियर हो रहा है किले बंदी कर दिया, ये तो हमने हमारे बुजुर्ग भी कह रहे, हम भी कहा, हमने पाकिस्तान का बॉर्डर बैन देखी, चाइना का बॉर्डर बैन देखी, दिल्ली के लगा दी हमारे हमारे। तो आगे की रणनीति जो भी होगी हमारे किसान मोर्चे की, उससे जो भी आएगा संदेश हमें लागू, उसमें हमें उसके साथ लगे रहेंगे और उसको मानने में गए। तो हमारे साथ पूर्व सरपंच हैं तो उनसे भी हम बात करेंगे। सर, क्या लगता है गांव के अंदर जो जाम लगाया गया है उसमें किन किन लोगों का सहयोग है? उसमें हमारे नाम छत्ती बिरादरी का सहयोग है, छत्ती बिरादरी के लोगों का मतलब पूरे पूरे यहाँ बैठे हैं और आज जो भी टाइम हमारा 12 दिल्ली का 3 लाख का वो उस टाइम लोग बैठेंगे और शांति भी बैठेंगे, जिस तरह कोई एम्बुलेंस आ उसको रास्ता दे रहे हैं या जो भी जरूरी काम वाला उसको भी हम बिल्कुल नहीं कर रहे, भाई चलो जाओ। और ये तो हमारा आयु जाम यहाँ लगाया है, उसके बाद जो भी जिस तरह नंबर बनाया वो करेंगे, हमें तो सरकार के खिलाफ सरकार झुकानी है एक बार पक्की जमा, और हमारी मांगे मनवाओगे झुका कर पूरे। थैंक यू सर। तो सर, आप हैं लगातार टिगरी बॉर्डर पर रहे हैं तो क्या लगता है सरकार का कैसा रवैया आपने देखा है, क्यों सबसे ज़्यादा समय गांव में आपने बॉर्डर पर गुजारा है, आपके साथ और भी गांव के जो बुजुर्ग थे, नौजवान थे, वो थे, क्या लगता है आपको? भाई देखो, वैसे तो मेरे सारे साथियों ने बता दिए सरकार झुकने के मूड में नहीं है, और कल आप राज्यसभा में आपने देखा होगा इस टाइम कृषि मंत्री तोमर बोल रहे थे और जितने बीजेपी वाले बैठे सभी हंस रहे थे, वो मजाक बना रहे थे किसानों की, काले कानून की मजाक थी, क्योंकि आपने देखा होगा जिस भाई ने टीवी देखा होगा वो सभी के सभी हंस रहे थे और उनका भी मूड नहीं है, वो चाहते हैं कि लोग बिखरे और लोग बिखर के यहाँ उठे, लेकिन हमारी सबसे अपील है कि भाई भाईचारा और शांति से बनाए रखें। अक्टूबर लग का तो कह रहे थे अब हमने 4 साल और लग जाए 24 तक, हम उठ के नहीं जाएंगे, हम 3 काले कानून वापस करा के जाएंगे। धन्यवाद सर। सर, कल 7 फरवरी को अभय सिंह चौटाला आपके गाँव का दौरा कर रहे हैं तो क्या तैयारियाँ हैं आपकी?
तो अभय सिंह चौटाला आ रहे हैं, उसका स्वागत है, गांव की तरफ से उसका धन्यवाद करेंगे। हाँ तो आएगा तो उसका स्वागत करेंगे बिल्कुल, तो जो भी आएगा जो किसाना के उसमें आएगा तो उसका स्वागत करेंगे हमें। ये राजनीतिक मंच नहीं है, जो भी किसान के साथ आएगा, जो हमारे किसान के साथ बैठेगा, दुख सुख हमारा साझा कराएगा, तो हम उसके बिल्कुल उसका स्वागत करेंगे, धन्यवाद करेंगे। सरकार बिल्कुल गलत कर रही है, 11 दौर की बात चल रही, और कल राज्यसभा में तोमर जी कह रहे हैं बड़ा मेरे को बताओ है काला क्या है, जब सभी बताए थे संशोधन करने के लिए तैयार है, संशोधन करने के लिए तैयार क्यों है, उसको पता नहीं है काला क्या है इसमें। तो हम छत्ती बिरादरी से मजदूरों की तरफ से किसानों साथ लेंगे, क्योंकि मजदूर भी कृषि पर आधारित है। तो आगे की सर क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगे रणनीति जो भी किसान करेंगे उनके साथ हमारा सहयोग है, हम किसानों के साथ हैं। तो धन्यवाद सर। तो देखा कि गांव की पूरी 36 बिरादरी यहां पर मौजूद है, और उन्होंने ऐलान किया है कि जो संयुक्त मोर्चा ऐलान करेगा उसके साथ डटकर उसका सहयोग करेंगे। आप देखते रहें रियल न्यूज़ हरियाणा।